Hey beautiful smiles, welcome back to my channel, and if you're new to this channel, please do subscribe and press the bell button to get notified. So today's video is unfiltered conversation with me, and the video is second part of the series. So today I'm going to share my opinion or my thoughts about why we should love ourselves first before anyone else. So not further any fumble and anything, let's get started with this. So welcome back here. So this video is going to be very short. I will try to make this video very short and impactful, because agar lambi hogi to fir koi dekhega bhi nahi. So the topic is today why we should love ourselves first before anyone else. सो मैं यूँ ही अपनी वीडियो के लास्ट में नहीं कहती कि जस्ट लव योर सेल्फ, बी काइंड, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर्स. सो हमें क्यों अपने आप को पहले प्यार खुद से करना सीखना चाहिए, और फिर हम इससे कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, या हमें क्या देता है खुद से प्यार करना. इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फिश वर्ड और सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट कोई कोई अगर इसे नेगेटिव वे में लेगा तो वो कहेगा ये जो अपने आप से जो ज़्यादा प्यार करते हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, बट इट इज़ अनट्रू फॉर मी. सो देयर आर गोइंग टू बी अ फोर पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वाई वी शुड लव आवर सेल्फ. वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग फोर पॉइंट्स एंड आई थिंक इट विल बी impactful, and if I can change anything in you, so that would be grateful. So first point is हमें जब हम खुद से प्यार करते हैं तो कुछ हमें क्या देता है. इट गिव्स अ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इन द सेंस ऑफ एक्सेप्टिंग यू एज द वे यू आर यूनिक. ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग होते हैं, और हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे हम ठीक हैं. अगर चेंजेस हमारे लिए जो सही है वो चेंजेस तो करने चाहिए, बट हमें कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि ये बहुत आप बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, या आपकी किसी को बात पसंद नहीं आती, आपको ओपिनियंस पसंद नहीं आते. अगर आप कोई चीज़ सही भी बोल रहे हो और सामने वाला आपको गलत बोल रहा है, तो उसके लिए आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर कोई चीज़ आपको अंदर से नेगेटिव बना रही है, या आपको अंदर ही अंदर डिप्रेस कर रही है, वो चीज़ चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू यू नो मेक योर वर्ड्स, मेक योर थॉट, एंड बी योर ओन ओपिनियन. So it's very important to be a confident person, and self-love is just give a confidenceness to, you know, make our opinions very fast, put our opinions to others. And जब हम उससे प्यार करेंगे तभी हम इस पूरी आई थिंक जितने भी हमारे साथ बुरी भी चीज़ होगी तो हम उसको भी पॉजिटिव तरीके से लेने लगेंगे. एंड कॉन्फिडेंस हमें ये इसलिए भी देगा जब हम उससे प्यार करेंगे कि जैसे हम लाइक अ बर्ड, एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब बर्ड चिड़िया लगा लो, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, वो सीधा उसको उड़ने के लिए नहीं भेजती, वो उसे पहले सिखाती है कि उड़ना कैसे है. तो वैसे ही जब वो बच्चा प्रिपेयर हो जाता है तब वो उड़ना सीखता है, राइट. तो वैसे ही हमारे साथ भी है, जब तक हम अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं फील करेंगे, अपने आप से प्यार करना नहीं सीखेंगे, हम अपने आप को यूनिक नहीं मानेंगे, तो हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. और चैलेंजेस को हम ऐसे लेंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, और इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चिड़िया जैसे अपने बच्चे को ट्रेन करती है फिर पूरी दुनिया में भेजती है उसको उड़ने के लिए, वैसे ही हमने करना है. हमने सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, अपने आप पे शील्ड बना लेनी है कॉन्फिडेंस की,
कि कोई उसे ब्रेक ना कर पाए, कितने भी चैलेंजेस आए लेकिन हम उस शील्ड को कवर करके उस चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ें। लाइफ में बहुत बारी सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, चिड़ियाएँ भी हैं, जैसे वो अगर उड़ने बाहर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ है, वो उनको भी बाहर डर रहता है कि कहीं उनके जो नेस्ट है वो टूट ना जाए या कुछ ना कर दे, लेकिन वो फिर भी बाहर जाती है। वैसे हमें भी बाहर जाना पड़ेगा बिकॉज द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर के लिए, लाइफ के लिए आगे जाना ही पड़ेगा। बट फॉर दैट वी हैव टू मेक अ शील्ड टू बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सन दैट नो वन कैन ब्रेक द शील्ड एंड वी कैन एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस एंड गेट ओवर दिस। सो या द फर्स्ट पॉइंट इज आई थिंक वेरी मच क्लियर दैट वाई वी शुड be love ourselves first and yeah, so let's get on to the second point. So the next point is accept yourself the way you are, because you are unique, everyone is unique and everyone has their own capacity, own thoughts, own opinions, own talents aur apni tarike se kaam karne ka. So just be that, be confident on that and आप जैसे हो उस तरीके से अपने आप को एक्सेप्ट करो। किसी के साथ कंपैरिजन करना और किसी की तरह बनना ऐसा, यू नो, ये तो सबको ही पता है कि परफेक्ट पर्सन इज अ मैन एंड नो वन कैन एवर बी अ परफेक्ट पर्सन। सब मिस्टेक करते हैं, सबसे गलतियाँ हो जाती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। बट जो भी आप सक्सेसफुल पर्सन देख लो, वेदर इज MS धोनी, विराट कोहली, रोनाल्डो एंड एक्सेट्रा, उन्होंने अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करा जैसे वो हैं। उनकी जो यूनिकनेस है उन्होंने अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करा और अपनी यूनिकनेस से वो आज हैं जहाँ पर हैं। सो अगर हम ये सोच लें कि हमें किसी की तरह बढ़ना है या उस तरीके से कंपेयर हमें भी होना चाहिए या हमें भी लोग उस तरीके से जाने, तो उस जगह पर हम अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। सो सेल्फ लव इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप से प्यार करके जैसे हम हैं हम अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर पाएँ। क्या होता अगर MS धोनी ट्राई करते विराट कोहली बनने की और विराट कोहली ट्राई करते MS धोनी बनने की, वो कभी हो ही नहीं सकता। दोनों की यूनिक क्वालिटीज़ हैं, एक तरफ कामनेस है, एक तरफ एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। सो वी कांट बी, यू नो, कंपेयर आवर सेल्फ विद एनीवन, ये होने नहीं देना चाहिए। We are unique and we are perfect the way we are. So, second point I think clear है, हमें क्यों खुद से प्यार करना चाहिए। और यू नो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग कंपेरिजन बहुत होता है कि इट्स वेस्ट, यू नो, यू आर नॉट डूइंग इन द राइट वे, दैट्स वाई शी इज़ हेयर और ही इज़ हेयर एंड यू लूजिंग द गेम। तो ऐसा बहुत होता है, होने दो। जब लोगों को समझ आने लगेगा, लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे कि दैट्स द थिंग विच इज़ यूनिक अबाउट यू, तो वो स्टार्ट कर देंगे आपको उस तरीके से एक्सेप्ट करना। अगर आप चेंज होने की कोशिश करोगे तो ना आप वो बन पाओगे जो वो है और ना आप अपने से कभी प्यार कर पाओगे, क्योंकि आप भाग रहे हो दूसरों की तरफ बढ़ने के लिए। अपने आप को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, अपनी यूनिकनेस खो रहे हो, अपनी ओन क्वालिटीज खो रहे हो। सो जस्ट बी, लव योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट द वे यू आर। सो द थर्ड पॉइंट इज, अगर आप खुद से प्यार करेंगे और खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे आप हो, नो वन कैन एवर डोमिनेट यू और यू नो मेक यू पुट यू डाउन। सो इन द इंडियन सोसाइटी देयर आर मैनी रीज़न हम पे थोपे दिए जाते हैं कि इस एज तक ऐसा कर लेना चाहिए, इस एज तक ऐसा कर लेना चाहिए। और इन द रोमांटिक रिलेशनशिप पीपल आर ट्राइंग टू, यू नो, पुट ईच अदर डाउन। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किसी की गलतियों को एक्सेप्ट करना, किसी के फ्लॉज को एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लगता है। और जब वो हमें दिखने लग जाते हैं और हमको कहीं से सुनने में आ जाते हैं, उस चीज़ से फिर लड़ाइयाँ होती हैं। और इंडियन सोसाइटी में ऐसा है, इफ़ गर्ल्स आर नॉट अर्निंग मच, हर पार्टनर थिंक दैट ही विल सुपीरियर टू हर। आई डोंट नो व्हाई, इसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट का तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर अ पार्टनर, यू आर इन द सेम लेवल,
doesn't matter, she is not earning enough or you are earning so much and you are a well settled, she is not financial, she is not independent in finance. So doesn't matter, I don't think aisa hona bhi chahiye, jo bhi hota hai. Aur you know, bahut cheeze hum pe thopi jati hai ki hame is aise certain way mein hame baat karni hai, is tarike se baithna hai, इस तरीके से हमें अपने आप को फिट रखना है. मोटे नहीं हो, मोटे हो जाएंगे तो क्या होगा, हम रिश्ते में, हमारी शादी में प्रॉब्लम आएगी या ये आएगी, ये सारी चीज़ें थोपी जाती हैं. और हम भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, हम भी उसी गाड़ी में चलने लग जाते हैं. उस चीज़ से प्यार नहीं है हमें, लेकिन हम करने लग जाते हैं. अरे हम मोटे हो रहे हैं तो हमें पतला होना है, हम अच्छे नहीं दिख रहे तो हमें अच्छा दिखना है, जबकि आपको उसकी कभी कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको जैसा भगवान ने बनाया आप उस तरीके से बहुत अच्छे हो और सभी अच्छे हैं. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी टू जस्ट लव योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ कि कोई आपको डोमिनेट ना कर पाए कि वो सुपीरियर है या एवरीवन इज इक्वल. मतलब सबको इक्वल राइट्स मिले हैं, किसी को ज़्यादा है किसी को कम नहीं मिले. So it's very important to love yourself first before anyone else and accept. अगर आप मोटी भी हो तो ठीक हो भाई, मोटी तो हो ना. So that's the second and the main reason why you should love yourself, and that's it. Move on to the next one. So the last and the fourth point is self-loveness. It's give you a positive attitude towards life. जब आप खुद से प्यार करने लग जाते हैं तो आप किसी के भी नेगेटिव कमेंट से हर्ट नहीं होते हैं. आपको किसी ने अपना ओपिनियन बता भी दिया है और आपको पता है आप ऐसे हो ही नहीं, दे जस्ट ट्राइंग टू पुट यू डाउन, तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ता और आप आगे बढ़ते हो ना. तो इट्स गिव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स थिंग, टूवर्ड्स नेगेटिविटी, टूवर्ड्स यू नो हाउ टू रिएक्ट इन द सर्टेन सिचुएशन. एंड यू नो आप अलग तरीके से सोचने लग जाते हो, आप फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला क्या कह रहा है. अगर आप खुद में ही अपने आप से प्यार कर लोगे और सामने वाला आपको कुछ बताने की कोशिश भी करेगा कि ये चीज़ आप में ठीक नहीं है या ऐसे नहीं है, तो जस्ट मूव ऑन एंड चिल. उनको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक को हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन इधर बहुत सारे लोग हैं जो एक ही माइंड सेट रखते हैं और बहुत ही मोटा माइंड सेट रहता है, यू नो वेरी बोरा माइंड सेट है वो, और उसको ब्रेक करना, उनको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो डोंट ट्राई टू यू नो, अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया है तो जस्ट इग्नोर इट एंड यू नो हु यू आर एंड यू नो हाउ यू आर डूइंग थिंग्स. सो जस्ट इग्नोर देम एंड या उनको आपको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको पॉजिटिव रहना है, आपको उससे प्यार करना है, बल्कि आप ऐसे हो जाओगे कि आप सामने वालों की गलतियों को भी एक्सेप्ट करने लग जाओगे. और अगर सामने वाले में कुछ बुराई है तो आप उस बुराई में भी कुछ अच्छा ही ढूंढने लग जाओगे. तो सेल्फ लवनेस इज जस्ट गिव यू अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. ऐसी वीडियो मैंने क्यों बनाई मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा से बनाना चाहती थी अनफिल्टर कॉन्वर्सेशन वाली, जहाँ पे मैं अपने अच्छे से थॉट शेयर कर सकूँ, बिकॉज यू नो मेरे अंदर बहुत है ऐसे ओपिनियंस. सो मुझे शेयर करना, अगर कुछ इम्पैक्ट कर पाए, अगर कुछ चेंज कर पाए, वैसे तो मेरे से भी काफ़ी अच्छे हैं यू नो मोटिवेशन वाले, बट एनीवेज. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक द बटन, बिकॉज लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस. लाइक ही रीच बढ़ाता है, यू नो एल्गोरिथम बढ़ाता है. प्लीज़ लाइक अ वीडियो. एंड अगर आपको किसी सर्टेन काइंड ऑफ वीडियो चाहिए या किसी सर्टेन टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो ऑन द कॉमेंट्स डाउन बिलो है ऑन द कॉमेंट्स डाउन. एंड ये भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. एंड जस्ट लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड अदर्स, जस्ट बी काइंड. लेट्स मेक द होल वर्ल्ड बेटर टू लिव फॉर एवरीवन. एंड
Yeah, just love yourself, be kind, be yourself, appreciate, be grateful what you have, and just bye. I see you in my next. Until then, lots of love.